हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या बताता है? एम्पियर सर्किटल लॉ हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। मगर यहाँ पर बायो सेवर्ट लॉ भी है, तो बायो सेवर्ट लॉ भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो सेवर्ट लॉ में डिफरेंसेस क्या है? अब तक के हमने बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे जिसमें हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, रैंडम शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, सर्कुलर सर्किट ली थी, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, ट्रायंगुलर फॉर्म में करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, स्क्वायर शेप में करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और फाइंड आउट किया था एक सर्टेन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। हमने ये सब बायो सेवर्ट लॉ के जितने भी जो एप्लीकेशंस है उसमें हमने डिस्कस किया था, बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस में। तो अगर मैं आपको एक सोलिनॉइड देता हूँ और मैं आपको बोलूँ अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो विद दी हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, तो इतना ईजी नहीं होगा। सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना विद दी हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ उतना ईजी नहीं होने वाला है, उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होगा सोलिनॉइड के लिए वो उतना आसान नहीं होगा। इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसी को सिंपल रखने के लिए या फिर वो प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर आ जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बायो सेवर्ट लॉ अगर आप यूज़ करते हुए सोलिनॉइड के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला उस केस में जो इंटीग्रेशन होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत क्रिटिकल हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। मगर ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो चुटकी में बता सकता है कि सोलिनॉइड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेंगी। तो यही है एम्पियर, जो बायो सेवर्ट लॉ है वो सिमेट्रिकल केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इन शॉर्ट। और अगर हम लोग सोलिनॉइड के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें सोलिनॉइड के अक्रॉस कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन के नाम पर दिया गया है जिनका नाम है एंड्री मैरी एम्पियर। तो ये जो फिजिसिस्ट और जो मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन, इनके नाम पर ये लॉ दिया गया है एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हम लोग क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन के नाम से एसोसिएटेड है जिनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें बताता है हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, हमें सिर्फ चाहिए होगा एक क्लोज लूप। सबसे पहले हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को एक सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ये कंसीडर कर लेते हैं ये है कंडक्टर, ये है कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो रहा है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से होल्ड कर लेते हैं, ये है कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो रहा है। करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। कंडक्टर के अक्रॉस बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जब करंट का फ्लो होगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है टॉप सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके की क्लोज लूप लूँगा। ये जो क्लोज लूप है मैं कुछ इस तरीके की क्लोज लूप लूँगा और ये जो क्लोज लूप है मुझे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो जो क्लोज लूप है मैं उसको लूँगा और मैं क्लोज लूप को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। तो एक क्लोज लूप के साथ एसोसिएटेड जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन या फिर जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा वो मुझे बता देगा कि ऊपर के सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है। बस यही हमें बताता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन और जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सिमिलरली करंट फ्लो रहा है मुझे बॉटम सेक्शन में, ये जो बीच वाला जो सेक्शन है ये बीच वाले सेक्शन के अक्रॉस मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये जो क्लोज लूप होगा मैं उसको बीच में कुछ इस तरीके से रखूंगा। तो एक क्लोज लूप के साथ एसोसिएटेड जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा फिर जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन होगा वो मुझे बता देगा कि बीच वाले सेक्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन होगा, ये जो लूप है इसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन होगा फिर जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जो एयर और जो वैक्यूम है उसकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के, और ये जो लूप है उसने करंट कितना एनक्लोज करके रखी है उसके। तो यहाँ पर ये जो लूप है उसने करंट कितना एनक्लोज करके रखी है वो हम लोग कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो लूप की जो थिकनेस है अगर हम लोग देखें, अगर ये लूप की अगर थिकनेस ज़्यादा होती है तो ये लूप जो करंट एनक्लोज करके रखेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। अगर ये लूप की थिकनेस अगर कम होती है तो ये थिकनेस के हिसाब से जो लूप जो अपने अंदर जो करंट एनक्लोज करके रखेगी वो कम से कम होगा।
आपको कहीं कहीं जगह ऐसा भी स्टेटमेंट दिया होगा कि टोटल करंट एनक्लोज इन दी क्लोज लूप, मतलब हम लोग सेम क्लोज लूप कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सेम क्लोज लूप कंसिडर किया, वही पिंक वाली सेम क्लोज लूप कंसिडर किया, और उसमें दो कंडक्टर है, सी वन कंडक्टर सी टू कंडक्टर। सी वन कंडक्टर में से करंट बाहर आ रहा है और जो सी टू कंडक्टर है उसमें जो करंट है वो है अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये क्लोज लूप में दो कंडक्टर है और जो सी वन कंडक्टर है उसमें से करंट बाहर आ रहा है, उसको हम लोग आई वन करंट कंसिडर कर लेते हैं, और जो सी टू कंडक्टर है उसमें से जो करंट है वो अंदर के तरफ जा रहा है क्लोज लूप के। तो यहाँ पर जो टोटल करंट होगा वो होगा आई टू माइनस आई वन एज पर के सी एल, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। तो अगर हम लोग देखें ये जो सर्कुलर लूप है इसमें जो टोटल करंट होगा वो होगा आई टू माइनस आई वन। तो अभी हम लोग पहला डिस्कस कर लेते हैं ये लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को ड्राइव भी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और उसको हम लोग एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें समझना है लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यह है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई, और पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ है, पार्टिकल है जो कि पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है इसका मतलब फोर्स वेरी करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेरी कर रहे हैं इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो वेरिएबल होगा, इसका मतलब जो पार्टिकल है जब वो पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ आएगा तो पूरे प्रोसेस में जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट नहीं होने वाला है, फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होगा और जो वर्क डन होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। और मुझे फाइंड आउट करना है पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच में टोटल कितना काम किया गया है, तो मैं एक छोटा सी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूंगा डी एल, ये जो डी एल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एसोसिएटेड जो फोर्स होगा वो होगा एफ। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ये छोटा सी अगर वर्क डन देखूँ तो ये जो छोटा सी जो वर्क डन होगा वो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। यहाँ पर अगर मैं ये छोटा सी जो वर्क डन है जो कि इन्फाइनाइटेसिमल स्मॉल है, अगर मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूँ एक्स से वाई के तरफ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क डन। तो ये जो छोटा सी जो वर्क डन है डी डब्ल्यू को मैं उसको कर दूंगा इंटीग्रेट, ये छोटा सी जो वर्क डन है डी डब्ल्यू को उसको मैं कर दूंगा इंटीग्रेट। तो जब अगर मैं डी डब्ल्यू को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा टोटल वर्क डन जो कि किया गया एक्स से वाई के तरफ, मतलब पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू को मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो जो डी डब्ल्यू का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग मैं उसको यहाँ सब्सिट्यूट कर दूंगा एफ वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, और जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी एक्स से वाई के तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी हमें सिर्फ इतने ही टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये जो टर्म है हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इक्वेशन है डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एक्स टू वाई एफ वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग पूरे प्रोसेस में हर एक इन्फाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड फोर्स को कंसिडर करें और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें एक्स से वाई के तरफ, एक्स से वाई के तरफ, तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटीग्रेशन हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्स से वाई के तरफ कर रहे हैं, और अगर हम लोग देखें जो एक्स से वाई के तरफ जो पाथ है वो एक लाइन के फॉर्म में, हालांकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है मगर ये एक लाइन के फॉर्म में, एक छोटा सी आप अगर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करो तो इन्फाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वो एक लाइन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये जो पाथ है वो एक लाइन के फॉर्म में, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो लाइन में हो रहा है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन इन लाइन, जिसको आप बोल सकते हो लाइन इंटीग्रल, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है। तो उससे पहले हम लोग समझ जाते हैं ओपन लाइन और क्लोज लाइन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें कोई भी लाइन अगर अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पर अगर स्टॉप होती है तो उस केस में जो लाइन होती है वो होती है क्लोज लाइन। कंसिडर कर लेते हैं ये है लाइन जो कि पॉइंट एक्स से स्टार्ट हो रही है और फिर उसके बाद पॉइंट वाई पर आकर स्टॉप हो जा रही है, तो जो लाइन है वो ओपन लाइन है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुई है फिर उसके बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पर वो स्टॉप नहीं है, कोई भी रैंडम पोजीशन पर स्टॉप हुई है, तो ये जो लाइन है वो है ओपन लाइन। सिमिलरली अगर कोई लाइन है जो कि पॉइंट एक्स से स्टार्ट होती है, अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होती है और फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पर आके एंड हो जाती है, तो जो उस लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लाइन या फिर क्लोज लूप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो क्लोज लाइन और क्लोज लूप का मतलब ये नहीं है, क्लोज लूप का मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग जो लूप कंसिडर कर रहे हैं वो एकदम सर्कल के फॉर्म में होना चाहिए, जो क्लोज लूप है वो कोई भी शेप में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो क्लोज लूप है वो कोई भी शेप में हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्लोज लूप है वो सर्कल के फॉर्म में हो, जो क्लोज लूप है वो कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, क्लोज लूप कुछ इस तरीके की भी हो सकती है। अगर हम लोग देखें जो क्लोज लूप है वो कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, क्लोज लूप कुछ
इस तरीके की भी हो सकती है। मतलब लूप पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। अगर हम लोग देखें ये जो दोनों जो लूप है वो पूरी तरीके से बंद है, तो इस तरीके की लूप को हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप। और अगर इंटीग्रेशन अगर होता है, अगर इंटीग्रेशन होता है ये क्लोज लूप में, तो वो जो इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन अगर लाइन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन या फिर लाइन इंटीग्रल। अगर इंटीग्रेशन अगर क्लोज लूप में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन या फिर क्लोज लूप इंटीग्रल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इंटीग्रेशन अगर क्लोज लूप में होता है तो इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप इंटीग्रल। तो आई होप क्लोज लूप इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। तो अभी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को ड्राइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको हम लोग फिर से डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का अगर इक्वेशन देखें, एम्पियर सर्किटल लॉ का जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर जो हम लोग जो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्लोज लूप में कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की साइन के साथ हम लोग एक सर्कल एसोसिएट कर देंगे जो कि इंडिकेट कर रहा है जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है क्लोज लूप में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी एल वैक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है हर एक एलिमेंट्री लेंथ। ये जो क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप के साथ जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ है, वो ये डी एल वैक्टर इंडिकेट कर रहा है। और वो एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये बी इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम लोग हर एक एलिमेंट्री लेंथ को और उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं ये क्लोज लूप में, तो जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन होगा वो बराबर में होगा करंट जो कि क्लोज लूप ने एनक्लोज करके रखी है, और परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब जो एयर और जो वैक्यूम है उसकी एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी के बराबर में। तो अभी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को ड्राइव कर लेते हैं। तो हमने कंसिडर किया यह है कंडक्टर, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने रख दिया क्लोज लूप, ये हमने कंसिडर किया क्लोज लूप। पिंक वाली जो हमने जो क्लोज लूप अभी कंसिडर किया था थोड़ी देर पहले ही पहला, वही क्लोज लूप हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्लोज लूप रखा। तो क्लोज लूप जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ये जो क्लोज लूप है जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो स्पेस का हमें पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट क्यू और पॉइंट पी। पॉइंट क्यू पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको मान लेते हैं बी टू, पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको हम लोग मान लेते हैं बी वन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट क्यू और जो पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा रेडियस, वो दोनों जो रेडियस होगा वो सेम होने वाला है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर, दोनों के बीच का जो रेडियस होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये जो कंडक्टर है वो ये क्लोज लूप के सेंटर में से पास हो रहा है। तो अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एलिमेंट्री लेंथ पॉइंट पी के साथ और पॉइंट क्यू के साथ। पॉइंट पी के साथ जो एलिमेंट्री लेंथ होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉइंट क्यू पर वो अंदर की तरफ होगा, पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा एज पर राइट हैंड ग्रिप रूल। आप यहाँ पर राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के फाइंड आउट कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होने वाला है। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अंदर की तरफ। अगर हम लोग एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर करते एलिमेंट्री लेंथ का जो डायरेक्शन होगा, एलिमेंट्री लेंथ का डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, या तो वो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा, मगर जो एलिमेंट्री लेंथ का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल कभी नहीं बनाएगा अगर हम लोग क्लोज लूप कंसिडर कर रहे हैं तो। क्लोज लूप में या फिर ऐसे अगर सर्कुलर लूप होती है उसमें जो एलिमेंट्री लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो इक्वेशन है इसे ड्राइव करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें मालूम है क्लोज लूप इंटीग्रल बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, हमें ये वाला जो इक्वेशन है इसे हमें ड्राइव करना है। तो हमने कंसिडर किया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर किया पॉइंट पी और क्यू के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको हमने कंसिडर किया बी, और यहाँ पर जो एलिमेंट्री लेंथ है डी एल उसको हमने कंसिडर किया। अभी अगर हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, और हम लोग अल्टीमेटली जो इंटीग्रेट करेंगे वो क्लोज लूप इंटीग्रेशन होगा, तो ये हमने यहाँ पर क्लोज लूप इंटीग्रेशन का सिंबल कंसिडर किया। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड और जो एलिमेंट्री लेंथ है दोनों के बीच का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड कंसिडर करना होगा, और दोनों के साथ जो एसोसिएटेड जो एंगल है वो हमें कंसिडर करना होगा टीटा, और जो टीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहला बोला जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एलिमेंट्री लेंथ का डायरेक्शन डी एल वैक्टर का डायरेक्शन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
हम लोग दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड कंसिडर करना होगा, दोनों के बीच का कोसाइन ऑफ एंगल। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी, एलिमेंट्री लाइन का मैग्नीट्यूड डीएल, और दोनों के बीच का जो एंगल है कोसाइन ऑफ थीटा। तो अगर हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा देखें तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होगा तो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डी एल। हमें मालूम है अगर मैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, अगर एक कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आर डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बनती है म्यू नॉट ओवर 4π × 2I/r। तो बी की जगह हम लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे बी के जगह। तो जो बी के जगह हम लोग ये मैग्नीट्यूड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे म्यू नॉट ओवर 4π × 2I/r × dl। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें म्यू नॉट ओवर 4π 2I/r ये कांस्टेंट हम, इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, डीएल को कर देंगे इंटीग्रेट। तो जब हम लोग डीएल को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा जो लूप है उसका सरकमफेरेंस, जो डीएल है वो लूप में जितनी भी जो पॉसिबल जो एलिमेंट्री लेंथ है वो है डीएल। तो जब हम लोग जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ है, ये लूप में जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये लूप का सरकमफेरेंस जो कि होगा 2πr। लूप का जो सरकमफेरेंस होगा वो होगा 2πr। तो हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगा म्यू नॉट ओवर 4π × 2I/r 2πr, यहाँ से r r, यहाँ से r पाई 2r और पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें जो मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा जो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए वो मिलेगा फाई बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, फाई बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यही है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि हमें बताता है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। और जो एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन आगे हम लोग कंसिडर करेंगे, हम लोग सोलोनॉइड के अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तभी आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या एडवांटेजेस है अगर उसको हम लोग बायो सेवर्ड लॉ से कंपेयर करें तो।